देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है क्या है, रस। सभी को रस बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन हम इसको बिल्कुल आसानी से पढ़ेंगे। तो रस क्या होता है? रस मान लो कि मैं तुम ही हो, आप लोग हो, तो रस पढ़ रहे हो, तो रस पढ़ते पढ़ते आपके मन में मतलब एक घृणा हुई, दुख हुआ है, मतलब वैसे ही लगा के और सा लगा कि हाँ ये अच्छे समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम्हें दुख हुआ है और घृणा हुई उससे, और कोई टॉपिक अच्छा पढ़ रहे हो तो उससे तुम्हें क्या होगा, खुशी मिलेगी। तो ये जो दुख, खुशी, घृणा, ये सब क्या है, इन्हीं को हमें पढ़ना है किसमें, रस में। ठीक है, ये हमारे क्या भाव पैदा हो रहे हैं, क्या भाव पैदा हो रहे हैं, किसी को हम पढ़ते हैं तो उससे हमारे मन में जो भाव पैदा हो। ठीक है, हम किताब पढ़ रहे हैं, मान लो हम कहानी पढ़ रहे हैं तो हमें मतलब अच्छा लग रहा है, हमें खुशी मिल रही है उससे। ठीक है, या कोई हम ऐसी मतलब सैड स्टोरी पढ़ रहे हैं कोई, तो उसे हमें पढ़ने में क्या दुख होगा, हमारे भाव अंदर हम पढ़ेंगे तो हमें भाव पैदा होगा, तो वो हमारे इसी में आ जाते हैं, रस में। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं, रस। रस की परिभाषा देखिए, किसी साहित्य को, पढ़ते समय हमारे मन में जो भाव पैदा होता है उसे रस कहते हैं। तो क्या है, यही हमने बताया है कि जो भाव पैदा हो, किसी साहित्य को पढ़ते समय हमारे मन में जो भाव पैदा होता है वही हमारा क्या है, रस है। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए, इसके भेद कितने होते हैं, रस के 10 भेद होते हैं। कितने? 10 भेद होते हैं। ये लिख लिया, रस के भेद। रस के कितने? 10 भेद होते हैं। हमें दसों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब हम इन्हें पढ़ेंगे, दसों को। ठीक है, देखिए, रस के भेद 10 होते हैं, ये हमारे सामने 10 भेद हैं। पहला हमारा क्या है, श्रृंगार रस। दूसरा हमारा आता है हास्य रस। तीसरा करुण रस। चौथा रौद्र रस। पांचवा बीर रस। छठा भयानक रस। सातवा विभत्स रस। आठवा अद्भुत रस। और नौवा शांत रस। और दसवा वात्सल रस। ठीक है, अब ये हमारे 10 भेद हो गए, लेकिन हमें एक बात और देखना है, इसके क्या होते हैं, स्थाई भाव भी होते हैं। क्या? स्थाई भाव। स्थाई भाव क्या होता है, ये बता देते हैं आपको। स्थाई भाव, देखिए, किसी साहित्य को पढ़ते समय हमारे मन में जो भाव पैदा होता है
किसी साहित्य के पढ़ते समय हमारे मन में जो भाव पैदा होता है और जो नहीं जिससे हमें रस प्राप्त होता है। ठीक है, ये हमारी परिभाषा है कि किसी साहित्य को हम पढ़ रहे हैं और उससे हमें जो भाव पैदा हो रहा है, लेकिन जो भाव पैदा हो रहा है उसी से रस आ रहा है हमारे अंदर। क्या आ रहा है? रस। देखिए, जैसे कि ये क्या है, हास्य है, हास्य रस है। हमने कोई हास्यप्रद कविता पढ़ी या कोई जोक पढ़े तो उससे हमें क्या आई, हंसी आई। तो इसका क्या स्थायी भाव क्या होगा? हास्य। ठीक है, ये हमारा होगा। अब ये ध्यान देना है कि ये हास्य ही हास्य रस बना हमारा। स्थायी भाव हमारा क्या निकल के आया? हास्य निकल के आया, तो उससे ही हमारा क्या हास्य रस बना। ठीक है, तो स्थायी भाव की परिभाषा लिख लीजिए। लिख ली, ये हो गए हमारे रस। यहां लिखेंगे हम क्या, स्थायी भाव। ठीक है, देखिए अब इसके स्थायी भाव देखेंगे हम कि कौन रस का कौन सा स्थायी भाव है। ठीक है, तो पहला हमारा जो श्रृंगार रस है इसका क्या है? रति। पहला हम होता रति, दूसरा हमारा क्या होगा? हास। करुण का क्या होगा? शोक। और रौद्र का क्या होगा? क्रोध। फिर आता है वीर रस, उत्साह। और भयानक का होता है भय। बीभत्स का घृणा। फिर क्या होता है अद्भुत का? आश्चर्य। और शांत का? निर्वेद। बात्सल्य का? बात्सल्यता। ठीक है, ये हमारे स्थायी भाव होते हैं। श्रृंगार का रति, हास का हास, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विवत का घृणा, अद्भुत का आश्चर्य, शांत का निर्वेद और वात्सल्य रस का वात्सल्यता। ये हमारे क्या हो गए? स्थायी भाव। ठीक है, अब हमारा पहला जो आएगा वो क्या है? श्रृंगार रस। हम इसे पढ़ेंगे किसको? श्रृंगार रस को। तो देखिए, पहला हमारा क्या है? श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस में क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं? श्रृंगार रस में कोई भी प्रेम रूपी बात है, ठीक है, या कोई ऐसी करुणादायक कोई भी ऐसी दुखी भरी बात है तो वो हमारे किस में आ जाएगा? श्रृंगार। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? प्रेम रूपी वार्तालाप या सुंदरता का वर्णन करना श्रृंगार रस कहलाता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया है कि प्रेम रूपी वार्तालाप, मतलब प्रेम से अच्छे से आप वार्तालाप कर रहे हैं तो वो भी हमारा श्रृंगार रस में होगा। और सुंदरता का वर्णन करें किसी की तो वो भी हमारा किस में होगा? श्रृंगार रस में। अब इसके श्रृंगार रस के कितने दो भेद भी होते हैं। क्या होते हैं?
दो भेद होते हैं। पहला होता है क्या? संयोग। क्या होता है? संयोग। दूसरा होता है हमारा क्या? वियोग। तो संयोग वियोग क्या होता है आपको बता दें। देखिए सभी आप फिल्म देखते हैं, उसमें क्या होते हैं, एक नायक रहेगा, एक क्या होगी, नायिका। तो मूवी है, कोई भी फिल्म है, उसमें क्या दोनों बैठे हैं, आपसी में प्रेम रूपी बातें कर रहे हैं, वार्तालाप हो रहा है उनका, तो वो क्या हो जाएगा, संयोग। क्या हो जाएगा? संयोग हो जाएगा। और जब वो बातें करते करते लड़ाई झगड़ा करने लगे, ठीक है, थोड़ी नफरत करने लगे एक दूसरे से, तो वो किस में आ जाएगा, वियोग राशि। किस में आ जाएगा, वियोग राशि में। मतलब जब दुखी की बात आ जाए तो वो किस में आ जाएगी, वियोग में। और जब अच्छे से हंसी खुशी बात कर रहे हैं तो वो हमारा किस में आएगा, संयोग में। एक दो उदाहरण और देखेंगे हम इसमें। मेरो तो गिरधर गोपाल दूजा कोई नहीं। इसमें क्या हो रहा है कि मीरा है कृष्ण की भक्त, ठीक है, वो कह रही है कि मेरा तो क्या है, गिरधर गोपाल है, ठीक है, और उसके सिवाय कोई नहीं है। तो ये प्रेम रूपी बात हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा किस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, संयोग में आ जाएगा। ये किस में, संयोग में, ध्यान देना। प्रेम रूपी बात हो रही है तो ये किस में आ जाएगा, संयोग में। दूसरा उदाहरण क्या है देखिए, दूसरा उदाहरण क्या है, भगत देखी राजी हुई और जगत देखी दुखी। ध्यान दो क्या है कि भगत देखी राजी हुई और जगत देखी दुखी। ये कह रहे हैं कि जब कृष्ण के भक्त को मीरा देखती है, मीरई की लाने हैं दोनों, कह रहे हैं कि जब कृष्ण के भक्तों को देखती है तो उसे क्या होती है, उसे खुशी होती है, ठीक है। लेकिन जब वो जगत को देखती है, जगत को, संसार को देखती है, तो उसे क्या होता है, दुख होता है। संसार को देखकर दुख क्यों होता है, क्योंकि संसार उसे कृष्ण की प्रेम का मानने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है, कृष्ण की प्रेम का मानने के लिए तैयार नहीं है वो। उसे जो संसार है सारा, वो कृष्ण की प्रेम का के रूप में नहीं देखता, इसलिए उन्हें क्या होता है, दुख होता है, उन्हें दुखी होती है। तो उन्हें तो ये किस में आ जाएगा, दुख हो रहा तो ये किस में आ जाएगा, वियोग रस में, ठीक है, ये किस में आ जाएगा, वियोग रस में। देखिए संयोग में खुशी की बात, प्रेम रूपी बात हुई, ये अपनी प्रेम रूपी बात उदाहरण देख लिया। दूसरा हमारा वियोग रस है, वियोग रस में हमने क्या देखा कि दुख हो रही है, दुखी हो रही है मीरा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वियोग रस। श्रृंगार रस की परिभाषा हो गई, वियोग रस, दोनों समझ में आ गए, ठीक है। अब दूसरे रस पे आते हैं। अब दूसरा हमारा क्या है, हास्य रस। तो हास्य रस जैसे नाम ही से पता चल रहा है, इसमें हंसी आती होगी, ठीक है, तो वो हमारा क्या, हास्य रस होता है। तो इसकी परिभाषा भी देख लो, किसी साहित्य कविता या कहानी को पढ़ते समय हमें हंसी आए त
तब उसमें हास्य रस होगा। ठीक है, परिभाषा हमारी क्या कह रही है, कोई भी साहित्य हो, कविता हो, ठीक है, या कोई कहानी हो, उन्हें पढ़ने में हमें हंसी आ रही है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हास्य रस। ठीक है, अब हास्य रस का देखिए, जैसे कि हमारे एक गुरु जी थे, वो कहते थे क्या कि इतिहास, भूगोल बड़ी बेवफा और रात को रटो दिन में सफा। इतिहास, भूगोल बड़ी बेवफा, रात को रटो दिन में सफा। तो मतलब ऐसी बात कहें तो हमें, ये पंक्ति हैं तो ऐसी बात कहें तो हमें हंसी आती है। ठीक है, हमें हंसी आई, जो जो इस पंक्ति को पढ़कर हमें हंसी आई वो हमारी किस में आ जाएगी, हास्य रस में। ठीक है, और जैसे कि इसको इंग्लिश में बोलते थे हिस्ट्री ज्योग्राफी, बड़ी बेवफा रात को रटो दिन में सफा। तो ये ऐसे ही इसमें हमें हंसी आई, ऐसी कोई जोक होता है, ऐसी कविता भी होती है कई प्रकार की हैं, तो उसमें हमारा क्या आ जाएगा, हास्य रस आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए करुण रस तीसरा हमारा है, करुण। ठीक है, तो करुण रस में क्या होता है कि कोई भी हम साहित्य पढ़ रहे हैं, कविता पढ़ रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं, उससे हमें क्या शोक पैदा हो, ठीक है, क्या शोक पैदा हो या करुणता आए उसमें, तो वो क्या हो जाएगा, करुण रस। तो इसकी परिभाषा वैसी होगी, किसी साहित्य, कविता या कहानी को पढ़ते समय हमारे मन में शोक तथा करुणता आए उसे करुण रस कहते हैं। ठीक है, किसी साहित्य, कविता या कहानी को पढ़ते समय हमारे मन में क्या आए, शोक आए या करुणता आए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, करुण रस। इसका उदाहरण देखिए, हाँ रघुनंदन प्राण परीते क्या है, हाँ रघुनंदन प्राण परीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। ठीक है, ये हमारा क्या है, इसका उदाहरण है कि हाँ रघुनंदन प्राण परीते और तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, मतलब रघुनंदन कौन है, राम, श्री राम जी हैं, और इसके जो इनके पिता हैं कौन, राजा दशरथ, राजा दशरथ कह रहे हैं कि हाँ रघुनंदन प्राण परीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते,
वो रोते हुए बिलखते हुए करुणा में कह रहे हैं कि अब हमारा क्या फायदा जीने का रघुनंदन, मेरे हमारे प्राण तो तुम में बसते हैं, किसमें, श्री राम में। उनके पिताजी कह रहे हैं कि हे राम, हमारे प्राण तो आप में बसते हैं, अब हम मतलब ऐसे हम कैसे जिए, ठीक है, और तुम बिन जिए बहुत दिन बीते, और तुम बिन जीते जीते अब बहुत दिन बीत गए हैं, अब नहीं हम जी सकते। तो इसमें एक करुणा आ रही है, करुणा आ रही है, और एक शोक भी पैदा हो रहा है, ठीक है। वो अपने मरने की बात कर रहे हैं तो उसमें शोक पैदा हो रहा, तो ये हमारा क्या होगा, करुण रस, ठीक है। तो करुण रस आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए रौद्र रस है। अब रौद्र रस का स्थाई भाव क्या होता है, क्रोध, क्या होता है इसका, क्रोध होता है। स्थाई भाव क्या होगा, क्रोध। अब ये देखना है कि इसमें क्या आएगा, रौद्र क्रोध आएगा ऐसे। तो यही परिभाषा भी यही होगी कि जिस साहित्य कहानी या कविता को पढ़ते समय हमें क्रोध आए, उसे रौद्र रस कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि जिस साहित्य कहानी या कविता को पढ़ते समय हमें क्रोध आए, उसे हम क्या कहते हैं, रौद्र रस। उदाहरण देख लीजिए, खट 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 खट, चार बार हो गए ना, खट 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 खट, तेग आवाज़, क्या आवाज़, तेग आवाज़, खट 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 तेग आवाज़, और बोले छपक छपक तलवार। ये हमारा उदाहरण है, देखिए खट 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 तेग आवाज़ और बोले छपक छपक तलवार। अब इसमें क्रोध पैदा होगा कैसे, हम लोग सब बुंदेलखंड के हैं, तो बुंदेलखंड में क्या आपने आला उदल का नाम सुना हो, हैं, तो तभी की बात है ये, तब युद्ध में जब लड़ रहे थे आला उदल, तो ये बात हुई थी कि मतलब जब उन्हें क्रोध आया तो इतना क्रोध आ गया था, तलवार वे तेगा जानते हो, बोल ही रहते हाँ तलवार, तो वो क्या खट 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 बाजे, खट 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 तेगा बाजे और बोले छपक छपक तलवार, और जब मतलब खूना खच तलवार हो रही थी, ठीक है, जब किसी में गले के छपक छपक खून में, तो ऐसी तलवारें हो रही थी क्रोध में थी, तो ये क्रोध का उदाहरण है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रौद्र रस हो गया, ठीक है, ये रौद्र रस हो गया। अब वीर रस, ये वीर रस क्या होता है, वीर इसका स्थाई भाव क्या होता है, उत्साह, ठीक है, इसका स्थाई भाव होता है उत्साह। तो इसकी परिभाषा भी यही होगी कि किसी साहित्य को, किसी साहित्य को पढ़ते समय
उत्साह, स्थायी भाव, आए तो उसे क्या कहेंगे? बीरस। ठीक है, कि किसी भी साहित्य को पढ़ते समय उस उत्साह स्थायी भाव आए तो वो हमारा क्या हो जाएगा? बीरस कहेंगे उसे। तो बीरस में क्या होता है कि कोई भी कविता पढ़ रहे हैं उससे हमें क्या आ रही है? उत्साह भर रहा है। कोई देशभक्ति की कविता पढ़ रहे हैं तो हमारे अंदर भी उत्साह है। कोई भी गाना सुनो, ठीक है, अगर देश के ऊपर गाना सुनो कोई है, फौज, वंदे मातरम, ये वगैरह ऐसे अच्छे गाना सुनो जो आपको क्या उत्साह से भर दें, तो वो हमारे किस में आ जाएंगे? वीर रस में। जैसे कि एक कविता थी, बुंदेलों के मुँह हमने सुनी कहानी, बुंदेलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, हाँ कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो, झांसी वाली रानी थी। तो इसको पढ़कर हमें क्या आ रहा है? उत्साह भर रहा, उत्साह भर रहा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? बीरस। ठीक है, ये इसमें किस में आ जाएगा? बीरस में आ जाएगा। और देखिए इसमें एक उदाहरण बोल रहे हैं, जो माँ के आंचल को फाड़े हम वो बाजू तोड़ेंगे, अपने घर में कोई भी जयचंद नहीं छोड़ेंगे। मतलब एक ऐसा उत्साह भरा, ये भी कविता है जयशंकर प्रसाद की, कि जो हमारे माँ के आंचल को फाड़ेगा उसके क्या करेंगे? उसको घर में, किसी के घर में घुसने नहीं देंगे, उसे हम क्या छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो उसमें क्या उत्साह भरता है। ठीक है, और जो देश के, जो देश से गद्दारी करे, ठीक है, उसे नहीं छोड़ेंगे, ऐसी कविताओं में उत्साह भर रहा है। तो ऐसे जो उत्साह भरी कविताएँ होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? बीर रस। ये हमारे पाँच रस हो गए, अब छठा पढ़ेंगे। ठीक है।